नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एडमिट कार्ड के लॉगिन के समय यहाँ पर लिखा आता है, लॉग इन इज नॉट अलाउड फॉर यू एप्लीकेशन। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? आप फेल हैं या फिर आप पास हैं? तो दोस्तों, आपको लिए बताना है कि यदि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं और इस पर लिखा आ रहा है लॉग इन नॉट अलाउड फॉर यू एप्लीकेशन, तो दोस्तों आप इसका मतलब यह है कि यूपी बोर्ड ने आपका एडमिट कार्ड है वह इशू नहीं किया है। यानी कि जब आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा तो आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड इशू हो गया है वह उनका यहाँ पर यह नहीं बताता, डायरेक्ट ही डाउनलोड हो जाता है। यानी कि दोस्तों, आप ये मान के चल सकते हैं कि आप वो इसमें भी नॉट क्वालिफाई पाए गए हैं। यानी कि आपके कुछ नंबर यहाँ पर कम रह गए हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं और आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है जिसकी वजह से यह लॉग इन नॉट अलाउ फॉर यू एप्लीकेशन बता रहा है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी निराश नहीं हुई है क्योंकि ये रिजल्ट आखिरी रिजल्ट नहीं है। हो सकता है कि इसके बाद फिर से एक रिजल्ट नया आ जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर रनिंग में रह जाते हैं। इस वजह से यदि पोस्टें और खाली रहेंगी तो तीसरी लिस्ट की भी डन गिरने की आसान है। और यदि आपके नंबर एक या दो नंबर कम रह गए होंगे तो आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, थोड़ा धीरज रखिए और वेट कीजिए। दोस्तों, आप निराश नहीं होइए, ठीक है? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही आप तक बोलना था कि यदि आपके एडमिट कार्ड में लॉग इन नॉट अलाउ आ रहा है, दोस्तों अभी आप फिलहाल डिसक्वालीफाई हैं, यानी कि फेल हैं, पास आप नहीं हो पाए हैं। पास होने लायक नंबर आपके नहीं पाए गए, इसलिए आप फेल हो गए, यानी कि डिसक्वालीफाई हो गए हैं। दोस्तों, फेल का मतलब और डिसक्वालीफाई बहुत सारा अंतर यहाँ पर होता है, इसलिए दोस्तों आप अपने आप को फेल नहीं मानेंगे, आप मानेंगे डिसक्वालीफाई। अगली बार आप जरूर क्वालीफाई होंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।